हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 30 बाई 50, 30 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 50 फीट प्लॉट की लंबाई है। ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारे पास है 30 फीट। 30 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और जो हमारी प्लॉट की लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ सामने तक, वो हमारे पास है 50 फीट। 50 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी की नहीं और का भूखंड है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने उत्तर दिशा के अंदर, ये हमारी उत्तर दिशा है, इसके अंदर हमने 3 फीट चौड़ाई के अंदर पूरी सामने से लेके ये देखिए पीछे तक हमने पूरा ओपन पैसे छोड़ रखा, ठीक है, ताकि घर के अंदर वेंटिलेशन बराबर बना रहे। अब चलते हैं सामने से, इसकी शुरुआत करते हैं पूर्व दिशा से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास सारा 5 फीट का मेन गेट। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर हमारा छोटा सा पोर्च बना हुआ है और फिर यहाँ पर देखिए, हम जैसे ही 2-3 स्टेयर अप करते हैं तो यहाँ इस तरफ लैंडिंग है और इस तरफ हमारा स्टेयर केस है। यहाँ से हम जैसे 2 स्टेयर अप करेंगे तो यहाँ पर स्टेयर केस है हमारा, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3.5 फीट बाई 7 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है, ठीक है। यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3.5 फीट बाई 7 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। ये हमने घर के बाहर की तरफ दे रखा है ताकि आप इसको चाहो तो रेंट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, ठीक है। अब इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास आ रहा घर का मुख्य दरवाज़ा मेन डोर 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं ड्राॅइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट 9 इंच इंटू 14 फीट। 12 फीट 9 इंच इंटू 14 फीट का हमारा ड्राइंग रूम है, जिसकी 5 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही, क्योंकि उत्तर दिशा के अंदर हमने 3 फीट का पैसे छोड़ रखा है, ठीक है। तो इस ड्राइंग रूम के अंदर यहाँ पर आपका सोफा वगैरह लग जाएगा। और ड्राइंग रूम की इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास पूजा रूम बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 6 इंच इंटू 6 फीट। 5.5 फीट इंटू 6 फीट का हमारा पूजा रूम है, जिसकी 1 3 फीट की विंडो सामने निकल रही है और 1 2 फीट का वेंटिलेशन हमारा उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है। अब पूजा रूम से आप इस बाहर आते हैं तो ये हमारा ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम की इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, हमारा आ रहा डाइनिंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 9.5 फीट इंटू 12 फीट। 9 फीट 6 इंच इंटू 12 फीट का ये हमारा डाइनिंग एरिया, जिसके अंदर हमारा यहाँ पर डाइनिंग टेबल और यहाँ पर आपका टीवी पैनल लग जाएगा। अब डाइनिंग एरिया की इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा ओपन किचन आ रहा है, यहाँ पर भी कोई दरवाजा वगैरह नहीं है। इस ओपन किचन की जो हमारे पास साइज है वो है 10 बाई 12, 10 फीट इंटू 12 फीट का ये हमारा ओपन किचन है, जिसके अंदर यहाँ पर आपका स्लैब लग जाएगा वर्किंग का। और इस ओपन किचन की हमारी 3 फीट की विंडो सामने निकल रही है और ओपन किचन का 1 3 फीट का दरवाजा हमारे घर के बाहर भी निकल रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि ये हमारा घर का मेन डोर है, यहाँ पर ड्राइंग रूम है, यहाँ पर आपका अगर मेहमान वगैरह बैठे हैं और अगर आपके घर की लेडीज वगैरह बाहर है तो इस मेन डोर से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ से हम किचन के अंदर एंटर होकर डाइनिंग एरिया के अंदर घर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने किचन का दरवाज़ा बाहर की तरफ भी दे रखा है। तो ये हमारा किचन हो गया, किचन से वापस बाहर आते थे हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए सीधा सामने तो 3.5 फीट का दरवाजा है। इस दरवाजे को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं बेडरूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 बाई 14। 12 फीट इंटू 14 फीट का हमारा बेडरूम है, जिसके अंदर यहाँ पर बेड, यहाँ पर टीवी पैनल और यहाँ पर वार्डरोब लग जाएगा। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट इंटू 6 फीट। 5 बाई 6 का अटैच टॉयलेट है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन हमने यहाँ पर OTS छोड़ रखा है, जिसके अंदर निकल रहा है। और इस बेडरूम की 3 फीट की विंडो भी इस OTS के अंदर निकल रही है। अब चलिए इस बेडरूम से ऑफिस बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं ये डाइनिंग एरिया, इस तरफ चलते हैं ड्राॅइंग रूम। अब ड्राॅइंग रूम के सामने यहाँ पर देखिए, ये हमारा 2.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट इंटू 8 फीट है। 5 बाई 8 का ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से वापस बाहर आते तो यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 12 फीट 9 इंच इंटू 14 फीट। 12 फीट 9 इंच इंटू 14 फीट का हमारा बेडरूम है, जिसके अंदर यहाँ पर बेड, यहाँ पर टीवी पैनल, यहाँ पर वार्डरोब हो जाएगी। और इस बेड की 3 फीट की विंडो एक यहाँ पर और 1 3 फीट की विंडो यहाँ पर, दोनों उत्तर दिशा के अंदर निकली है। और जो हमने ये OTS छोड़ रखा है, उसके अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से हमने 2.5 फीट का दरवाजा दे रखा है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 3 फीट चौड़ाई के अंदर हमने पूरा ओपन पैसे छोड़ रखा है उत्तर दिशा के अंदर हमारे प्लॉट में से। और फिर यहाँ पर ये मेन गेट, यहाँ पर ये पोर्च हो गया, यहाँ पर स्टेयर केस बना हुआ बाहर, ये हमारा लैंडिंग हो गया, यहाँ पर पूजा रूम, ये मैं घर का मेन डोर, यहाँ पर किचन का बाहर वाला दरवाज़ा, ये हमारा किचन, ये ड्राॅइंग रूम, यहाँ पर डाइनिंग एरिया और ये बेडरूम, इस बेडरूम के अटैच टॉयलेट, यहाँ पर OTS, ये बेडरूम और यहाँ पर हो गया कॉमन टॉयलेट। तो चलिए मैं आप इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने से स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। 30 बाई 50 प्लॉट का एरिया है और 3 साइड अदर प्रॉपर्टी है, सिर्फ जो हमारा प्लॉट है वो एक ही तरफ से खुल रहा है और वो है पूर्व दिशा। इसके अंदर 2 बेडरूम है, ड्राॅइंग रूम है, किचन है, एक अटैच टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट है, पूजा रूम है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
थैंक्स।